उन्होंने मेहरबानी करी है साहब, उनके खानदान को कोई ऐसा शौक नहीं है। पार्लियामेंट पे रहकर अगर उनके हाथ की कुवत नहीं थी तो जबान से टोकनी थी। ये लाल किला की फसील पर बैठने वाली कौम चांदनी चौक पर भीख मांगने वाले हो गए हैं। ये नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल अमीन, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आदाब, मैं हूँ तंजील आसिफ और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का इंटरव्यू सीरीज बेबाक। आज के हमारे मेहमान हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार चीफ अख्तरुल ईमान। 2005 से 2014 के बीच आरजेडी से 3 बार एमएलए चुने गए। 2014 में जदयू के टिकट पर लोकसभा चुनाव में आए, लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही मैदान छोड़ दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2015 इलेक्शंस में उन्हें बिहार का चेहरा बनाया और सीमांचल के 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। ईमान को कोचाधामन से हार का सामना करना पड़ा। अब आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। आप अपने घर अपने गढ़ से कोचाधामन से असेंबली इलेक्शन हार गए, उसके बाद आप सांसद बनने का सपना देख लें, ये कितना मुमकिन और कितना सही लगता है? बिल्कुल, सवाल ये पैदा होता है कि चलने वाले चलते भी हैं, फिसलते भी हैं, गिरते भी हैं, फिर उठकर चलते भी हैं। ये कोई मेरे लिए सदमे की बात नहीं है। जहाँ तक मेरा वोट बैंक है, वोट बैंक मेरे शिकस्त के बाद भी, आप जिसमें आप उस शिकस्त को आप गिन रहे हैं, उस शिकस्त में भी मैं 34,000 वोट लाकर 2010 में एमएलए बना था और 38,000 वोट लाकर मैं हार गया। उसके पीछे गहरी साजिश थी फासिस्टों की। दरअसल यहाँ पर महागठबंधन बन गया था, लेकिन महागठबंधन बनने के बावजूद भी बीजेपी और गठबंधन के दरमियान में ताल्लुक था और जो फासिस्ट कुवतें हैं वो हमेशा हमारे खिलाफ रही, जिसके नतीजे में फासिस्ट कुवतों की मदद से, और जाहिर है कि अभी जो यहाँ के विधायक बने हैं पहले भी इन फासिस्टों के साथ थे, कुछ देर के लिए गठबंधन पर गए थे, लेकिन फासिस्टों से इनके रवाबित अंदर से भी थे और इनके चीफ के भी थे, जो बाहर को अभी 2 साल की मुद्दत भी नहीं हुई, फिर जहाँ का पानी वहीं चला गया। आए थे मिस्टर नीतीश कुमार जी, एनडीए को छोड़कर उसी में चले गए और ये विधायक जी भी उसी में चले गए, उनकी हिमायत मिल पाई, जिनकी वजह से, और जो सेकुलर वोट है कंफ्यूजन में इसको दिया, जिसकी वजह से हमारी हार हुई है, वैसे हमारी हार नहीं। चलिए इस पे हम वापस आएंगे। आप 9 साल विधायक रहे टोटल, अगर कोचाधामन क्षेत्र की बात करें तो वहाँ के आप 9 साल विधायक रहे, 9 साल बनाम 4 साल अगर देखें तो ऐसा क्या काम है वहाँ कोचाधामन में जो आपको बेहतर रिप्रेजेंटेटिव बनाता है अभी के रिप्रेजेंटेटिव के मुकाबले? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेरी सियासी तारीख पर अगर नज़र डालें तो हम लोग अपनी सियासी, इसका आगाज़ जिला परिषद से किया था। उस ज़माने में भी मैं तस्लीमुद्दीन साहब से जुड़ा हुआ था, राजगढ़ से जिम्मेदार एक बड़े नेता थे वो, और उसके बाद जब मुझे एमएलए बनने का मौका मिला तो मैंने पूरे पूर्णिया ज़िले के दरमियान में सबसे ज़्यादा एमएलए बनने की हैसियत से सबसे ज़्यादा सड़कों की तामीर हमने करवाई, स्कूल की तामीर हमने करवाई, टीचरों की बहाली पर हमारी तवज्जो रही, एजुकेशन को हमने अपना इशू बनाया, लोगों के मसाइल को हल करने में हमने तरजीह दी, थाना और ब्लॉक की दलाली को हमने रोकने का काम किया। मेरे ज़माने में ही चोरी डकैती का जो उससे पहले चलन था उस पर रोका गया। मेरे ज़माने ही में आप देखेंगे कि सुंधा में दिन दहाड़े डाकू का वो हुआ, कत्ल हुआ, और पूरे इलाके को क्राइम फ्री करने में, इस इलाके में सामाजिक और सियासी बेदारी करने में और सामाजिक इसलाह का पैगाम तो मेरा बहुत दिनों से चल रहा है, ये मेरा काम किया है। और मैं अपोजिशन में रहते हुए तमाम तर मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि इस इलाके की, और ये सीमांचल की तारीख का पहला हिस्सा है कि बिहार की असेंबली में किसी ने भी अगर दूसरे इलाके से एक तवाजुन करके एक कंपेरेटिव डेटा के साथ अगर तुलनात्मक अध्ययन कोई पेश किया है पहली बार बिहार की असेंबली में तो मैंने किया, और मैंने सीमांचल की हकदारी की बात उठाई वहाँ पर, यही नहीं बल्कि माइनॉरिटी के लोग इस इलाके में रहते हैं, अलीगढ़ की तहरीक की लड़ाई, अलीगढ़ को ज़मीन दिलवाने का मामला, ये नीतीश कुमार जी थे और उनके दूसरे जो सेकंड लाइन के लीडर्स थे या यहाँ के मुकामी जो उनके वर्कर्स थे, ये ज़मीन देना नहीं चाह रहे थे। हम लोगों ने नारा दिया था कि नीतीश कुमार जी कान खोल कर सुन लीजिए, अगर अलीगढ़ के लिए आप ज़मीन नहीं देंगे तो आपको पाँव रखने की ज़मीन के चयन में हम लोग नहीं देंगे, और ये सच भी कर दिखाया, और अलीगढ़ की जब तक ज़मीन उसने नहीं दी वो पाँव नहीं रख पाए, और अलीगढ़ के लिए जो इनकलाबी तहरीक उठी उसकी पूरी बुनियाद किसने रखी, उस तहरीक को आगे किसने बढ़ाया, ये तारीख का हिस्सा है, आपका भी तारीख मिट्टी से, वो जान को जान रहे होंगे। तो हमने हर कदम पे अपने लोगों को बाशूर बनाया, सियासी और सामाजिक बेदारी की हमने तहरीक चलाई है। इस वजह से ये 4 साल, इस 4 साल से मेरा क्या मुकाबला हो सकता है? मैंने बिहार की इस झूठी क़यादत के सामने को आईना दिखाने का काम किया,
और ये चार साल तो ठगने का काम किया। आप ये देखेंगे कि यहाँ के लोग सेकुलर हैं, यहाँ के लोग मिलनसार हैं, यहाँ के लोग गंगा जमनी तहजीब पर विश्वास करते हैं, यहाँ के लोग कभी भी बाबरी मस्जिद तोड़ने वाली शक्तियों को शक्ति प्रदान नहीं करना चाहते, यहाँ के लोग कभी भी गुजरात के दंगाइयों का साथ नहीं देना सकते, और यहाँ के लोगों का बड़ा छल हुआ है कि एनडीए का सहारा लेकर इन्होंने वोट लिया और जाकर उन शक्तियों के साथ जुड़ गए जिनके खिलाफ लोगों ने इनको वोट दिया था, तो उनको छल हुआ है। इस चार साल से मेरा तवाजुन करना तो मैं समझता हूँ मेरी तौहीन है, तौहीन है, इसका मुकाबला क्या है? इसने आवाम को ठगने का काम किया, मैंने आवाम को बेदार करने का काम किया, मैंने सेकुलर कुवतों को ताकत दी, ये कम्युनल फोर्सेस को ताकत दे रहे हैं, मैंने सड़कें जितनी बनवा दी हैं उसकी मरम्मति भी नहीं करा सकते हैं, बहुत सारी योजनाएं मेरे जमाने की आई हैं, सचर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी लोगों को मैंने बेदार किया, एमएसडीपी के जो पैसे आए हैं, एमएसडीपी के पैसे से आप देखेंगे कि बिहार के 60 डिस्ट्रिक्ट के लिए आए 593 करोड़, और उसमें पहले अगर उस रकम को खर्च किया और पॉजिटिव वे में खर्च किया, यहाँ के एजुकेशन में खर्च किया, तो मेरा जिला है मदरसे के घर बनवाए, उसी जमाने में हाई स्कूल के हॉस्टल्स वगैरह का हमने प्रपोजल वो किया, सारा कुछ तो मेरे जमाने का किया हुआ। जाहिर है उनका जमाना है, सरकार उनकी है, तो उनको तो बहुत कुछ करके दिखाना चाहिए था, कोई नई स्कीम के बारे में बता दे, वो कोई नई स्कीम के बारे में बता, कोई नया काम बता दे। मैं ही था जो मैंने कहा कि साहब नीतीश कुमार जी, बिहार का सबसे पिछड़ा हिस्सा है हमारा सीमांचल, सीमांचल में गरीबी रेखा से नीचे लोग कम हैं, पर कैपिटा इनकम कम है, वहाँ पर नाखानदगी की जो निरक्षरता की सरह है सबसे ज़्यादा है, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं या पढ़ने नहीं देना चाहते हो? उन्होंने कहा ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैंने कहा 13.5 लाख की आबादी का आपका मुंगेर है, जहाँ 88 हाई स्कूल है, 15,000 बच्चे पास करते हैं 2006 में, और मेरे 17 लाख की आबादी का किशनगंज है, जहाँ सिर्फ 3200 बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, और 17 और उनके जो थोड़े स्कूल थे गर्ल्स स्कूल उनको लगा करके 20-25 स्कूल थे। नतीजा ये हुआ कि मेरे इस सवाल के नतीजे में 30 हाई स्कूल एक ही साथ हमने सेंक्शन कराने का काम किया। चलिए ठीक, 2014 में आप उसी नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं और लोकसभा मैदान बीच में छोड़कर चले जाते हैं। आज जब पलट कर आप देखते हैं उस चीज़ को, तो आप उसे उस फैसले को अपनी समझदारी कहेंगे, एक गलती कहेंगे या एक कुर्बानी कहेंगे? मैं उस फैसले को अपनी समझदारी कहता हूं, अपनी दूरंदेशी कहता हूं। मुमकिन है कि वक्ती तौर पर हमने एक कुर्बानी दी है, हमारे बहुत सारे लोग हैं कि आपकी कुर्बानी है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मेरी वो सियासी दूरंदेशी थी। मैं नीतीश कुमार के साथ जाना या लोकसभा नहीं, लोकसभा इलेक्शन छोड़ देना, और उसमें भी मैंने जो पहला अमल किया था, ये बात आपको बता दें, शायद आपके इलम में नहीं हो, कि 2009 में ही नीतीश कुमार जी ने अपने दूत मेरे पास भेजे थे कि 2009 का ही मैं यहाँ पर इलेक्शन लड़ूँ। मैंने उनके दूत को यही कहा था कि साहब आप दो बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप बीजेपी के साथ हो मैं आपकी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, दूसरी बात यह है कि हमारे उस्ताद रहे हैं जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, उन्होंने राजद से टिकट दिलवाने में मेरी पहल कराई है, मैं अपने उस्ताद के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, साफ कह दिया था। फिर जब 2014 में बिहार में हमारी पॉलिसी बनी सेकुलर लीडर्स की कि मौजूदा वक्त लालू जी के हम लोग साथ 22 हैं, लालू जी को 122 का आंकड़ा अभी देर है लगेगी, लेकिन बीजेपी के साथ रहकर नीतीश कुमार जो बिहार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे इनको अलग करना चाहिए, चुनांचे उसको अलग करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की, नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग हो गए, तो हम लोगों ने समझा कि एक बड़ी जो जमात है जो हिंदुस्तान के सिविलियन को नुकसान पहुंचाती है, नीतीश कुमार को उससे अलग रखकर बिहार को बचाने का काम करें। और उसके बाद जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए थे, तब मैंने उसके टिकट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन जब मैं इलेक्शन लड़ने लगा तो देखा कि इनके 90% जो वर्कर हैं वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, मैंने इसकी खबर नीतीश कुमार को भी दी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उस वक्त मसरूफ थे, उसने नोटिस नहीं लिया। मैंने बार बार उनको कहा कि साहब ये बहुत ही रॉन्ग डिसीजन जा रहा है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मुझे खबर भी मिली कि बीजेपी और जदयू के दरमियान में कहीं ना कहीं साठगांठ हो गया, कुछ सीटों पर समझौता हो गया है, और चूंकि मैं इस इलाके की आवाज़ बड़ी तवानाई के साथ उठा रहा था, तो मैं समझता हूं कि मेरे साथ कोई साजिश भी हुई होगी शायद, तो मैंने उस वक्त कहा कि नहीं, एक आदमी जो है वो कम काम करने वाला है, इलाके की बहुत ईमानदाराना दयानतदारी के साथ, जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आया था, बहुत नुमाइंदगी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर एक दूसरी ताकत आ जाए तो वो ताकत इस इलाके को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, तो मैंने उस वक्त कुर्बानी दी। तो 2019 में क्या अलग होगा? 2019 में भी एनडीए का एक कैंडिडेट होगा, एक कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, तीसरे आप फिर से वही डर होगा कि एनडीए का कैंडिडेट चाहे जदयू का हो या बीजेपी का हो जीत सकता है, तो फिर इक्वेशन तो वही बन गया नहीं, तो फिर आप इस बार क्यों आना चाहते? नहीं देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्शन हारने के बाद ठोकरों के खाने के बाद भी मैं मुसलसल आवाम के दरमियान में हूँ, और असल फैसला तो आवाम करती है, उस वक्त हमारी जो जनता थी वो भी कन्फ्यूजन का शिकार थी, अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में देख लिया कि यूपीए के जो एमपी रहे हैं वो किसी महाज पर खड़े नहीं उतरे, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो इस इलाके की हिस्सेदारी तय कराते, या कोई ऐसे इशूज रेज नहीं कर पाए पार्लियामेंट में जो उसकी जिम्मेदारी थी, न वो पार्लियामेंट में कोई पॉलिसी में रोल अदा कर सके, न कानून साजी में रोल अदा कर सके, न नुकसानदेह कानून में वो कोई आवाज़ उठा सके, हत्या कि ये इलाका
पूरे तौर पर कम्युनल हारमोनी का है और हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर के खिलाफ, दस्तूर हिंद के दफा 25 के मुताबिक सब लोगों को मजहबी आजादी है। और इविन के इस वक्त की जो पार्टी है, और इनकी भी और पार्टी भी पिछले दिनों में शरारत करी थी कि इस वक्त जब तलाक का बिल का मामला आया तो उसमें भी इन्होंने अपनी शरीयत की पासदारी नहीं की, है ना, जबकि प्रोफेट मोहम्मद की नसीहत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है कि तुम बुराई को देखो तो हाथ से रोको, न तो जबान से टोको, न तो दिल से बुरा समझो। पार्लियामेंट पे रहकर अगर इनके हाथ की कुव्वत नहीं थी तो जबान से टोकनी थी, लेकिन उसमें भी नहीं टोक सकते। एक मामला था अलीगढ़ का, लोग ये कह रहे थे कि मौलाना नहीं जीतेंगे तो अलीगढ़ का ब्रांच ऐसे चला जाएगा, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन था। एक तो ये ढाई साल में जो एनडीए का सेकंड वो था यूपीए का, तो यूपीए सेकंड में ये ढाई साल जमीन देने के बाद भी रकम नहीं दिलवा सके, और उसके बाद आज जो स्पेशल जो ब्रांच यहाँ पर खुला है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो सिकुड़ रहा है ना। इनका जो सेकंड बैच का एडमिशन हुआ है पहले बैच से कम हुआ है, यहाँ दो ही फैकल्टी की पढ़ाई हो रही है, एक एमबीए की और दूसरी बीएड की। पोजीशन क्यों खामोश है उसमें, आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्यों उस आवाज को, ये भी सिकुड़ रहा है तो गवर्नमेंट से सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं क्योंकि हमने गवर्नमेंट से ही, क्योंकि अपोजिशन में ही थे इस वक्त हमारे सांसद, हम इससे उम्मीद कर रहे थे कि आवाज उठाएंगे, जब इन्होंने आवाज नहीं उठाया तो अभी जाकर के हम अपने नेशनल लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिलकर के, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिलकर के आए, उनको मेमोरेंडम देकर के आए। पिछले दिनों में हमने जाकर के इस ब्रांच में जाकर के फिर उसके डायरेक्टर से पूरा हिसाब किताब लिया है, और अभी फिर मैं 28 तारीख को अलीगढ़ मिलने जा रहा हूँ वाइस चांसलर से, पूरी हम लोग आवाम को बेदार भी कर रहे हैं, और जो इंतजामिया के सतह पर जो कार्रवाई है कभी भी छूट नहीं बैठे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं। अभी मैं आज 28 तारीख को मेरा वहाँ अलीगढ़ में प्रोग्राम भी है और वहीं पर वाइस चांसलर से मिलने का इरादा भी हमारा है, हम जा रहे हैं, इसमें हम बैठे कहीं नहीं है। इसलिए अब लोगों का एतमाद ये बढ़ा है कि मैं चाहे सैलाब का मामला हो, अफसरशाही का मामला हो, लोगों पर जुल्म हो, तो तमाम तर इशूज पर चूंकि मैंने पॉजिटिव रोल अदा किया है, आवाम का एतमाद बढ़ा है, और मौजूदा वक्त के संसद से लोग उकता भी गए हैं, इन्होंने कोई काम भी नहीं किया है, और हमने पिछले दिन में जो कुर्बानी दी है उससे फासिस्टों के हौसले यहाँ पर टूटे हैं, है ना। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, अब ये पूरा इलाके का दौरा कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तरफ से जो बातें आ रही हैं, मुझे तीन चीज़ों ने खड़ा रखा है, आवाम के हौसले, दिए हुए हौसले, अपने अंदर की कोई सियासी सलाहियत, ये चीज़ें हैं, और हमारी पार्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें इस इलाके के मसाइल के लिए आवाज़ उठाना, सीमांचल की पहली आवाज़ अगर किसी ने उठाई पार्लियामेंट में तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब है, तो इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाला दिन हमारा होगा। तो एमयू किशनगंज के लिए आप कांग्रेस से अलग आप लोग उस तहरीक को ले जाना चाह रहे हैं, कांग्रेस के साथ हमारे जुड़ के आप कह रहे हैं कि आपके मतलब ओवैसी साहब वो इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को कर रहे हैं, आप अलीगढ़ जाके वीसी से मिलेंगे, तो ये काम साथ में भी तो हो सकता है कि कांग्रेस के लोग भी साथ में जुड़े हैं, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, वो ज़्यादा दबाव डाल पाएगी, तो आप दो चार लोग इस चीज़ को जितना मजबूती से नहीं रख पाए, शायद वो कांग्रेस पूरा मिल के आपके साथ रख पाए, तो वो रास्ता क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? अलीगढ़ की तारीख, अगर आप इस इलाके में अलीगढ़ की तारीख से अगर आप आगाह होंगे तो मैं ही वह शख्स था, चूँकि तहरीक हमारी शुरू की हुई थी और ये क्रिसेंट स्कूल के डायरेक्टर जनाब गुलाम साहिद साहब ने बुनियादी तौर पर उसकी दागबेल डाली और पूरी ताकत और तवानाई के साथ उसने लड़ाई शुरू करी। मैंने असम्बली में आवाज़ उठाई और फिर बाहर भी सड़क पर आया, तो नतीजा ये हुआ कि उस वक्त कांग्रेस के लोग बिल्कुल भागे भागे फिरते थे, कांग्रेस के लोगों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया, बल्कि लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे कि साहब अख्तर ईमान साहब लीड कर रहे हैं दूसरे जाएंगे, तो मैंने कहा कि देखो एक बार की नहीं 70 बार की हमारी अगर कुर्बानी चाहिए अलीगढ़ के खातिर तो कुर्बानी दे सकते हैं, पार्टी के झंडे समेटो और एक ही झंडा होगा वो अलीगढ़ का झंडा होगा, है ना, हम जब तक जमीन नहीं लेंगे तब तक मिलकर बैठेंगे, ये आवाज हमारी दी हुई थी और तमाम तो झंडे समेट कर लड़े थे। आज भी लोग आए इस लड़ाई में, चूंकि मुखलिसाना तौर पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तो बेहद मजबूरी के मुझे जाना पड़ रहा है, चूंकि पतवार जिनके हाथ में है वो नशे में है ना, तो इसी वजह से मैं अपना पतवार अलग करके इस कश्ती को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आए तो उनका इस्तकबाल है, हम साथ, ये लड़ाई मुश्तरका हमारी है, मुश्तरका लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ताना दे देते हैं लोग, एनडीए के लोग, कि अपने जब 2.5 साल की हुकूमत रह गई थी जमीन देने के बाद उसको तो कुछ कराया नहीं, तो अभी क्यों कहने आते हो, उस शर्म के हमारे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन हमारे तो मामला खुला है कि हम खुली किताब की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका जवाब तो वही देंगे। 2019 में आप सेंटर पे सरकार, केंद्र पे सरकार किसकी रही है? देखिए सेंटर पर हम तो ये चाहते हैं कि मौजूदा वक्त हिंदुस्तान में जो लोग नेशनल पॉलिटिक्स में जो पार्टियां रन कर रही हैं इस वक्त, उसमें कोई ऐसी पार्टी नहीं है दूध की धुली हुई हो, सबके दामन पाक है, लेकिन लेसर इविल पर हम लोग काम करेंगे, जो लोग नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी के खिलाफ जो महाज बनकर आएगा
बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जो महाज बनकर आएगा, जिसको आप यहाँ से हरा रहे हैं केंद्र में, उसी को कोई जरूरी नहीं है उसको क्या महाज बन के आप आ रहा है, हम लोग उसको देखकर फैसला करेंगे। और हम लोगों ने हमेशा इलेक्शन बिल पर फैसला किया। हम लोग तो ये कहते हैं कि हमारी जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो हम ना चीफ मिनिस्टर के दावेदार है न हम प्राइम मिनिस्टर के दावेदार है। माइनॉरिटी की जो पॉलिटिक्स रही है, दलितों की जो पॉलिटिक्स रही है, महरूम और मजलूम तबका की जो पॉलिटिक्स रही है, वो पॉलिटिक्स हमारी हिस्सेदारी की है और हमारे तहफुज की है। हम तो ये नहीं कहते, चूंकि सभी लोग जाकर गफलत बरत रहे हैं, मेरी आवाज कोई नहीं उठा रहा है, तो हम अपनी आवाज उठाना चाहते हैं और हम पहरेदार होकर खड़ाना चाहते हैं कि जहां मेरी हक मारी होगी हम किसी से भी समझौता नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। 70 सालों तक तो ये जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, 70 सालों में 56 साल तो उन्हीं की हुकूमत रही और हमारी बेशतर आबादी ने उन्हीं का साथ दिया। लेकिन इसने हमेशा हमारे साथ जुल्म किया, जिसने हमारी गर्दन बचाने की यकीन दहानी कराई, उसने आबरू भी लूटा, गर्दनें भी काटी, असबाब भी लूटे और रह रह करके शरीर पर डाके भी डाले। लेकिन चूंकि इस वक्त बड़े जालिम से मुकाबला है तो वक्त के साथ हालात के साथ फैसला किया जाएगा। लोगों के बीच में यह डर है कि दो पिलर न खड़ा हो जाए, हिंदू और मुसलमान की दो पार्टी। गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं आप, तो वो चीज आपको नहीं लगता कि दो पिलर एक दो पोल खड़ा हो सकता है, खास के मुस्लिम अकलियती इलाकों में? देखिए, ये हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स का वहम भी है और दूसरी हमारी जो दुश्मन पार्टियां हैं वो उनके जरिए फैलाया गया भ्रम भी है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले बीजेपी की हुकूमत तो मुस्लिम लीग लड़ी थी वहां केरल में, तो वहां तो आ जानी चाहिए थी, वहां तो इनके दांत इकट्ठे हो रहे, अभी तक नहीं आ पाए। दूसरी बात, लास्ट 30-35 साल से हमारी पार्टी वहां पर बड़ी मजबूती और तवानाई के साथ आंध्रा में लड़ रही है। अगर ऐसी बात होती तो वहां तो आ जाती बीजेपी, वहां तो नहीं आ पाई। असल मामला ये हुआ है कि लालू जी 12% यादवों के सहारे अपनी बुनियादी राजनीति करते हैं, मायावती बहन हमारी वो 20% दलितों के सहारे राजनीति करते हैं, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो अकलियतों के कंधे पर चढ़कर सवार होकर पार्टियां करते हैं। इनको ये लड़ लग रहा है कि गुलामी की बस्ती में, गुलामों की बस्ती में आजादी की किरण फूट रही है, ये खौफ के मारे ये अफवाह फैला रहे हैं। ऐसी इसमें कोई हकीकत है नहीं। अगर ऐसी हकीकत होती तो केरल और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मिसाल अभी आपके सामने में है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी पार्टी एक ओएसी परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। जब हम जय भीम और जय भीम को भी देखते हैं तो भीम के लीडर्स आप में नजर नहीं आते, तो भीम के लीडर कौन है और क्या पार्टी ओएसी परिवार से बाहर कंट्रोल आ पाएगा या एक ही परिवार इस पार्टी की मालिक बन के रहेगी? देखिए, ये मैं आपकी लाइलमी का इल्जाम तो आप पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाँ, जो लोग बोलते हैं उसी सुनी हुई बात की कहीं ना कहीं आप तकलीद कर रहे हैं। आप जाकर के हमारी हैदराबाद में जो हमारी पार्टी का जो मरकजी दफ्तर है, आप जाकर वहाँ देखें कि जय भीम के लोगों ने अपने सपोर्ट से उस शहर का मेयर हमने बनाया, उस पर भी हम पर इल्ज़ाम है। अभी देखेंगे, 6 आदमी यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे तो जय भीम के डॉक्टर अमित कुमार पासवान को हमने उम्मीदवार भी बनाया, उम्मीदवार बनाया। चेहरा नहीं बन पाया ना। सवाल ये है कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटीज के नाम पर उठी थी, वहाँ गैरों के लिए, बिरादरान वतन के लिए दरवाजे बंद नहीं थे। हमारी ये पार्टी उठी है, अब इसी परिवार की पार्टी नहीं है, नजरिए की पार्टी है। जाहिर है जिन्होंने कुर्बानी दी, और आपको ये बता दें कि अवेसी के खानदान के कोई आदमी यहाँ पर नहीं आया लड़ने के। दरअसल उसने मिल्लत के दर्द को महसूस किया, इस मजलूम तबके की जो कोई रहनुमाई नहीं करता है, इस दर्द को महसूस करके। देखिए, अगर ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर एमपी बनके रहना चाहे तो हैदराबाद की जमीन उनके लिए काफी है, और जाहिर है कि वजीर आजम वजी आला के उम्मीदवार भी नहीं हो सके, पार्टी भी कहीं नहीं हो सकती। आज अगर वो बिहार में आए हैं, यूपी में गए हैं, महाराष्ट्र में गए हैं, इस दर्द के साथ, इस मिल्ली दर्द के साथ, इस इंसानी दर्द के साथ कि इस मजलूम और इस महरूम तबके का वोट तो हर कोई ले लेता है, लेकिन इनके मसाइल पर कोई बात नहीं करता है। इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, और ये जुल्म ऐसा नहीं कि कोई मफरूजा बात हो, बल्कि सचर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, गोपाल पैनल और डिफरेंट जो सर्वे की रिपोर्ट आती है, ये लाल किला की फसील पर बैठने वाली कौम, चांदनी चौक पर भीख मांगने वाले हो गए हैं, ये दिन ब दिन ये गिरती चली जा रही है। तो उनके दिल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस मजलूम तबके को आवाज़ दी जाए, इनको हौसला दी जाए। एहसास से कमतरी के समंदर में इसके नौजवान गर्क होते चले जा रहे हैं, तो इनके एहसास को बुलंद किया जाए। तो उन्होंने मेहरबानी करी है साहब, उनके खानदान को कोई ऐसा शौक नहीं है, बल्कि वो यहाँ की मजलूम और महरूम और यहाँ के सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ ये तवाना लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ के लोगों को बेदार करने आए हैं। उनका जाति कोई मुफाद नहीं। आप ये कह रहे हैं कि वो यहाँ के लोगों पर मेहरबानी कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के लोगों के आवाज बनकर उठ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आप कह रहे हैं वो यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ के वो वहां से निकल कर आए हैं कि वो यहाँ के लोगों को उठाना चाह रहे हैं, कि यहाँ के लोगों जो ठगने का काम किया। इनके पास कोई ऐसा पॉलिटिकल फॉर्म नहीं है जो इनका आवाज उठाए, इनके वोट तो ले लेते हैं वो, लेकिन इनके मसाइल का हल नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि मेरी पार्टी वहां जाए और यहीं के लोगों को उठाकर यहाँ के मसाइल को हल करने के लिए ये कुव्वत बसने का काम करे। ये काम कर रही है हमारी पार्टी, ये लोग दिखा देंगे कितनी मेहरबानी की जरूरत है। यकीनन 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 दिखाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो दिख भी रहा है।
आज दिख भी रहा है। जब सैलाब का जमाना आया तो यहाँ के लोग मुंह में पट्टी बांध कर रहे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर पांव में मेहंदी लगा कर रहे। जब मेरे कायद ने आवाज उठाई पार्लियामेंट में तब इनकी गफलत से नींद टूटी है। और उसके बावजूद भी हमारे साथ ये हुआ कि मेरे यहाँ गुज़िश्ता साल अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 22 जुलाई में सैलाब आया और हमारे यहाँ लोगों को चारा नहीं मिला, पानी नहीं मिला। और उसके एक महीने के बाद पट्टे के करीब के इलाके में छपड़ा और मुंगेर के इलाकों में सैलाब आया और वहाँ जानवरों को दाने मिले, खुराक मिला, बच्चों को खिलौने मिले, उनका खेमा लगा। और दो साल से लगातार बारिश में लोग डूबे, सैलाब में लोगों की खेती बह गई, घर बह गए, जमीनों पर बालू जमा हो गया और उनके बच्चे डूब कर मरे। अब तक बिहार की सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। वो नीतीश कुमार जी जो बिहार के विशेष दर्जे की बात करते हैं, हमने जब हाउस में था तो मैंने कहा था असेंबली में उनको कि आप बिहार के साथ नाइंसाफी अगर केंद्र ने की है तो विशेष दर्जे की बात करते हैं। तो हर बिहारी का दिल तड़पता है, दिल्ली मैंने हकमारी मेरी की है, लेकिन आपने पटने में बैठकर जो सीमांचल की हकमारी की है तो सीमांचल के लोगों का दिल कितना तड़पता होगा। तो सीमांचल की उसी हकमारी के खिलाफ मेरे लीडर ने पहली बार फर्स्ट टाइम जो आए यहाँ की गलियों का दौरा किया, यहाँ की बस्तियों का दौरा किया, यहाँ के उजड़े हुए चेहरे देखे, वीरान खेतियां देखी, यहाँ के लोगों की सड़ी हुई झोपड़ियां देखी, तो उन्होंने कहा कि इस इलाके का बच्चा बच्चा एमएलए और एमपी बनने से हल नहीं होगा। यहाँ के लिए हिंदुस्तान के आईन में दफा 371 के तहत दबे कुचले इलाकों को, वो इलाका जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, कुदरती आफात से मुतासिर रहे हैं, वो इलाका जो तरक्की के पैरामीटर हैं उसमें पीछे हो गए हैं, उनके लिए आर्टिकल 371 के जरिए से स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल तश्कील होना चाहिए। इसके लिए हमारे नेता कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक प्राइवेट बिल का मुसविदा अभी पेश भी किया है पार्लियामेंट के सेक्रेटरियट में, देर सवेर पर बात भी होगी। आगे के इलेक्शन में, आगे के लोकसभा इलेक्शन असेंबली इलेक्शन में किसी पार्टी से अलायंस की कोई गुंजाइश, कोई पॉसिबिलिटी, वो रास्ता अख्तियार करने का सोच रहे हैं? देखिए भाई, ये मशवरा तो बहुत लोग देते हैं लेकिन मामला ये है, उसमें आपका मशवरा भी अंदर से कहीं ना कहीं मशवरा शामिल है। देखिए, जब तक जिस कम्युनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस मजलूम आबादी के लिए काम कर रहे हैं, जब तक वो हमें कबूल नहीं करेगी, तारीख यही बताती है कि जब तक सियासी पार्टियों को ताकत नहीं मिलती है, पहले से मौजूद सियासी पार्टियां उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होती। हम जिनके दर्द की बात करते हैं, उसने अगर मुझे गले लगाया तो ये मजबूरी में आकर मेरे पाँव पकड़ेंगे, है ना। हम तो तैयार हैं कि हमारे मिजाज के मुताबिक इसके नाइंसाफी के खिलाफ जो भी ताकत आएगी हम उनको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ तो सबको है कि सीमांचल के गुलामों की इस बस्ती में लीडरशिप चली जाए। और एक बात मैं कह देता हूँ, माफ कीजिएगा, बहुत साफ साफ बात मैं कहता हूँ कि इन पार्टियों को चुके इस इलाके में हमारी जो हालत है माइनॉरिटीज की, वही हालत हमारे दलित भाइयों की है, गेहूं के साथ धुन पिसा गया है और उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप है। इधर मैक्सिमम लोग एमएलए एमपी और मिनिस्टर मुस्लिम लोग बने, लेकिन ये जाकर अपने आकाओं के तलवे चाटे, लाल बत्ती ले ली, लेकिन कभी इस इलाके के हक की बात नहीं की। आज दलितों की बस्तियों में जाइए, आज पिछड़े लोगों की बस्तियों में जाइए, है ना, आपको देखकर आंखों में पानी आएगा कि आज भी उनके बदन पर कपड़े नहीं है, आज भी उनका चूल्हा बुझा हुआ है, आज भी उनका छप्पर सरा हुआ है, आज भी उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आज भी उनके घरों में बगैर दवाई के मौत हो रही है, दलितों की हालत बहुत बुरी है। तो हम तो सबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इन पार्टियों में चाहे जो कुछ भाई जो पार्टी अपने आपको सुकुलर कर दिए, इनको मुस्लिम नेता चाहिए, मुसलमानों का नेता नहीं चाहिए, दलित नेता चाहिए, दलितों का नेता नहीं चाहिए, पिछड़ा नेता चाहिए, पिछड़ों का नेता नहीं चाहिए। हमारी पार्टी ये तय कर रही है कि सीमांचल के सिर्फ गुलाम नहीं, सीमांचल से हिस्सेदारी भी तय करेंगे। सीमांचल के लोग गुलाम नहीं, तुम्हारी गुलामी करेंगे, सीमांचल के लोग हकदार हैं, हिस्सेदार हैं और हम हिस्सा लेकर रहेंगे। सीमांचल के लिए स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल तश्कील दो, जो बैकलॉग है हमारा अदा करो। आज क्या वजह है कि बिहार के दूसरे क्षेत्रों का पर कैपिटा इनकम 30,000, 35,000, 40,000 हो गया, पट्टे का पर कैपिटा इनकम 70,000 हो गया और हमारा पर कैपिटा इनकम अभी भी 8,000, 10,000 से कम है। सबसे ज्यादा पलायन हमारा हो रहा है, बच्चे होटल में जाकर पोछा हमारे मार रहे हैं, नौजवान जाकर अपनी खेतियों को छोड़कर पंजाब में खेतियां कर रहे हैं, पंजाब की धूप में जलता हमारा नौजवान, हरियाणा के किचन में जाकर सड़ता है, दिल्ली में जाकर पत्थर तोड़ता हमारा नौजवान, होटलों में पोछा मारता हमारा नौजवान, माँ मरती है बस्ती में, बेटा रोता है पंजाब में। ये बदनसीबी भी हमारी है, इस बदनसीबी के खिलाफ कौन उठेगा? हमारी पार्टी उठी है, हम उठे। आप जीत जाते हैं तो आपकी पहली 3 प्रायोरिटीज क्या होंगी? मैं जहाँ तक देख पाता हूँ कि इस इलाके में एजुकेशन, हेल्थ और फ्लड के सिलसिले में 3 रास्ते में काम की जरूरत है, तो उसके लिए आपके पास प्लान क्या है, क्या करेंगे? अच्छी अच्छी बातें बहुत लोग बोल देते हैं लेकिन आपके पास प्रॉपर प्लान क्या है और कितने दिनों में, 3 साल में 4 साल में उस चीज़ को आप ग्राउंड पे वो चीज़ नज़र आएगा, क्या प्लान है? देखिए, जो अच्छी अच्छी बातों के बारे में आप बोले ये बात सही है, उनकी बातों पे न जाओ क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। मेरे कदमों की तरफ देख के आप किधर गए? मैंने जितनी तवानाई के साथ
एजुकेशन का सवाल उठाया, कोई नहीं उठाया, और सवाल उठाया भी, और आगे भी क्या, आगे भी मेरा प्लान ये है कि पूरी दुनिया में इंसानियत की तरक्की की सबसे पहली कुंजी तालीम हो, ठीक है ना, और तालीम के सिस्टम को ठीक किया जाए, है ना। मैं मेरा बड़ा सा सपना लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या बड़ी यूनिवर्सिटी खुद किशनगंज का एक खोला जाए, ये भी तो एक नाम है, तो चलिए उसके लिए हो रहा है सब कुछ। देखिए मेरा, मैं हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल का पूरा गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम जो है इसको कॉलेप्स कर दिया। मैं कहता हूँ कि बाप को जब लकवा मार दे तो बच्चा चचा की उंगलियां पकड़ कर बात उसको आप एक एमपी के, नहीं, 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 नहीं सुनिए एमपी, सुनिए सवाल ये पैदा होता है कि एमपी लेकर, देखिए मेरा एमपी का, देखिए एमपी और एमएलए के बुनियादी तौर पर कई काम, पहला काम कानून साजी का, दूसरा काम तरक्कियात के मंसूबे में अपने इलाके को हिस्सेदार बनाने का, तीसरा काम है एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करवा के काम करवाने का। मैं एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करवा करके सोसाइटी को भी बेदार करूंगा, सोसाइटी के बेदार किए हुए ये सिस्टम हमारा ठीक नहीं हो सकता है। मैंने इसके लिए पिछले दिनों में भी कोशिश की है, मैं पहली बार यहाँ के मदरसा के सेक्रेटरी और सदर की मीटिंग कराई, स्कूल के टीचरों की मीटिंग कराई, पूरे बिहार में अब्सेंटी कहीं भी मुखिया को नहीं दे रहा था स्कूल वाला, हमने यहाँ पर लागू करवाने का काम किया था जब मैं जिला परिषद का मेंबर था। ये तो ये है कि एजुकेशन के आइडियल स्कूल्स भी हम खुलवाएंगे, ताकि कुछ आइडियल स्कूल्स खुलें जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को एक एजुकेशन की तरफ, हम एजुकेशन मूवमेंट शुरू दिन से मेरी प्रायोरिटी रही है, हम अपने आइडियल स्कूल्स भी खुलवाएंगे, यहाँ की कम्युनिटी के को हिस्सेदार बनाकर खुलवाएंगे, यहाँ पर जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनके टीचरों की ट्रेनिंग का सामान हम करेंगे, इन बच्चों को, इन लड़कों को ट्रेनिंग नहीं कराया सका उसके ट्रेनिंग का प्लान भी मेरे पास है, और गवर्नमेंट के स्कूलों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, गवर्नमेंट के स्कूलों को आवाम को बेदार करके इस सिस्टम को भी ठीक करने का काम करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे इलाके में रोजगार पर इन्हिसार करने वाली ऐसी तालीमी मंसूबा साजी हो कि छोटी छोटी ऐसी ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए जाएँ जहाँ मैट्रिक और ट्वेल्थ के बाद बच्चों को ट्रेनिंग करा करके हम रोजगार से जोड़ सकें, ये हमारे मंसूबे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कही है फ्लड का मामला, सेहत का ताल्लुक, सेहत के मामले में आपने देखा होगा कि मैं जब एमएलए था तब भी मैंने इन सरकारी हॉस्पिटलों के नाकारापन की वजह से अपने से मेडिकल कैंप लगवाया, अभी देखेंगे लास्ट सैलाब में भी हमारी पार्टी तकरीबन 1 करोड़ रुपया सर्फ दिया मेडिकल कैंप के लिए, 50 लाख से ज़्यादा की दवाएँ आई और 50 लाख से ज़्यादा सरफा हुआ हमारा डॉक्टर को हायर करने का या लाने का, रखने का, खिलाने का, है ना, हमने वो काम किया है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और हम ये समझते हैं कि मेरे मसाइल इस इलाके के सिर्फ पार्लियामेंट में हल नहीं होंगे, असेंबली में हल नहीं होंगे, यहाँ की लोगों को मजबूती से उनके हक और हिस्सेदारी के लिए हम सड़कों पर लाएंगे। और मेरे, मैं तो ये कहता हूँ कि मुल्क आज़ाद हो गया है अंग्रेजों से, लेकिन सीमांचल आज भी देसी अंग्रेजों से के जुल्म से आज़ाद नहीं हुआ है, हम इनके जुल्म के खिलाफ यहाँ के आवाम को बेदार करेंगे और अपने हक के लिए आमादा करेंगे। और सैलाब का मामला पिछले दिनों में भी इन बेईमानों ने वो किया कि महानंदा बेसिन के लिए आया, आज़ादी के 70 साल बाद भी इस इलाके में सबसे ज़्यादा घनी नदियाँ और यहाँ की नदी, यहाँ की ज़मीन प्यासी है, लिफ्ट इरीगेशन का काम नहीं किया। आपको मैं बता दूँ कैमूर में आज जो धान का प्रोडक्शन है, चावल का प्रोडक्शन है, वो सरमाए हुए पंजाब को भी, जितनी खेती में 1,07,000 हेक्टेयर में खेती होती है कैमूर में, और उतनी ही जमीन में खेती होती है 1,07,000 हेक्टेयर में हमारी किशनगंज में। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वहाँ 2,25,000 मेट्रिक टन की पैदावार होती है और हमारे यहाँ सिर्फ 97,000 मेट्रिक टन की पैदावार होती है। हमारी धान का प्रोक्योरमेंट वक्त पर नहीं हो पाता है, हमारी धान की फसल कट जाती है पहले 2 महीना पहले, प्रोक्योरमेंट वक्त पर नहीं हो पाता है दलाली की वजह से, हुकूमत की नाहली की वजह से। अभी मक्के की पैदावार हमारी होने लगी है, लेकिन मक्के का अब तक गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट प्राइस तय नहीं किया, मक्के के किसान खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे जो सूरत हाल है। तो हमारे पास तो न एग्रीकल्चर में, न रोजगार में, न एजुकेशन हेल्थ में, हम किस जगह पर हम रखें, पूरा जिस्म दागदार है। हम तमाम तर मसाइल की लड़ाई के लिए ये बात है कि आवाम जब तक हमारी बेदार नहीं होगी, और यहाँ पर अब तक पुलिस की लाल टोपी और अफसरशाही का खौफ है, और कहीं ना कहीं ये पार्टियां ऐसे चमचों के जरिए से हुक्मरानी करना चाह रही है जो यहाँ के लोगों का वोट बटोर उनके झोले में तो दे, लेकिन यहाँ के लोगों को हिस्सा नहीं मिल पाए। आपके गार्जियन या रहबर कहें, तस्लीम साहब अभी दुनिया में नहीं रहे, तो चलते चलते आप उनके चाहने वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहिए। देखिए तस्लीम साहब को मुबारकबाद देते हैं कि वो बेचारे एक आम आदमी, आम घराने से ताल्लुक रखने वाले, खानदगी का कोई बड़ा सर्टिफिकेट उसने नहीं, उनके पास नहीं था, लेकिन उसने आवाम को बेदार किया, होशियार किया, जालिमों के खिलाफ बरसे पैकार किया, और इस इलाके के हक हिस्से की लड़ाई लड़ने वाला एक बड़ा नेता था।
इसलिए हम उनके लोगों से, चूंकि हम समझिए कि हम उनके शागिर्दों में से हैं, मैं अपने तमाम तरुण भाइयों से कहता हूँ कि अगर तस्लीमुद्दीन के नज़रियात से मोहब्बत है तो तस्लीमुद्दीन के सपने को साकार करो। तस्लीमुद्दीन का भी सपना सीमांचल के ताल्लुक से, और ये लफ्ज़ सीमांचल भी दरअसल उसी की ज़बान से फैला हुआ लफ्ज़ है, उसके रूह को तस्कीन देने के लिए भी सीमांचल के मज़लूमों को इंसाफ दिलाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ठीक सवाल का जवाब दिया, सच्चा सच्चा जवाब दिया।